हेलो बच्चों, तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट फर्स्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्थिर विद्युत। ठीक है, तो स्थिर विद्युत क्या होती है, जो हमारा टॉपिक है आज का स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, तो देखिए स्थिर विद्युत को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। स्थिर विद्युत क्या होता है? सर्वप्रथम यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने यह पाया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर एक वस्तु जिसका नाम था अंबर, अंबर को फर से रगड़ने पर अंबर वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सिटी भी नाम दिया गया है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सिटी का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है विद्युत। तो इलेक्ट्रॉन की जो उत्पत्ति का कारण था वो अंबर था, क्योंकि अंबर को ही यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया है। उन्होंने यह पाया कि जब अंबर को हम फर से रगड़ते हैं तो अंबर में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने भी यह पाया कि जब कुछ वस्तुओं को जैसे कि कांच, एबोनाइट, गंधक इत्यादि को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं भी आकर्षित हो जाती हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेश उत्पत्ति का जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ इस प्रकार से मान लीजिएगा कि जे कोई हमारा परमाणु है और जे नाभिक है, नाभिक। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप चक्कर लगाते हैं वो अधिक आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं, जिन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वह नाभिक से कम बल द्वारा बंधे होते हैं, कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। यदि इनको थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाती है तो जे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घर्षण के कारण अर्थात घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके कारण क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वह पदार्थ ऋण आवेशित होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए जे कोई परमाणु है और जे इनिशियल क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋण आवेश होता है। तो इनिशियली ये क्या है, उदासीन है, कोई भी परमाणु उदासीन होता है। जब इसके संपर्क में हम कोई दूसरी वस्तु लाते हैं, दूसरा परमाणु लाते हैं और उसको इससे घर्षण करवाया जाता है, वो भी उदासीन है। कुछ इस प्रकार से ठीक है, जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब मान लीजिएगा कि इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है
जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं वो कम आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। जब इसको रगड़ा जाता है तो इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर गए, तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक धन एक ऋण को ख़त्म कर देगा, तो ये तो हमारा इतना तो एरिया क्या हो जाएगा, उदासीन हो गया, क्योंकि धन ने ऋण को समाप्त कर दिया। अब इस पर धन आवेश की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ये जो परमाणु है ये कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। ठीक है, अब इस पर कितना धन आवेश उत्पन्न होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये जो है इसमें एक धन एक ऋण को नष्ट कर देगा, तो ये तो पूरा उदासीन हो चुका है, ये इतना क्षेत्र तो उदासीन है, लेकिन इस पर ऋण आवेश की क्या है, अधिकता है, क्योंकि धन आवेश नहीं है, अब इस पर ऋण आवेश है, तो ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह पदार्थ हमारा धनावेशित हो जाता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वह पदार्थ हमारा ऋणावेशित होता है। अब इन पर आवेश कितना उत्पन्न होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और यह न्यूनतम आवेश होता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो दो इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होगा उसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, धन आवेशित। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो जो होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसमें, तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, इतना आवेश, यानी इसको हम और न्यूमेरिकल वैल्यू में देखेंगे तो जो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना आवेश उत्पन्न होगा इस पदार्थ पर। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर आवेश का मान आ जाएगा, और ये आवेश कैसा होगा, धन आवेश। इस नाभिक पर, सॉरी, इस परमाणु पर या इस पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, इस पर भी उतना ही आवेश उत्पन्न होगा, दो इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है, लेकिन यहाँ पर ये आवेश कैसा उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। ठीक है, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह पदार्थ धन आवेशित, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, अगली बात यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, देखिए जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में प्रवेश करेंगे तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो इस बात को भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हो जाती है, तथा जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इतना होता है 9.1 × 10³¹³ किलोग्राम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में से निकल के इसमें चला जाएगा तो इस पदार्थ के द्रव्यमान में इतना कमी हो जाएगी और इस पदार्थ के द्रव्यमान में इतना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा कि इन पर जो धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है उनकी जो डेफिनेशन है वो आप जो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ आपको। तो पहले आता है हमारा स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, तो स्थिर विद्युत की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तथा धन आवेश की अधिकता हो जाती है, अर्थात प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित। जे इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है।
तो इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आता है हमारा कि जी आवेश जो होता है उनमें कैसा बल लगता है। मान लीजिएगा कि कोई वस्तु है, एक वस्तु जो है जे धन आवेशित वस्तु है, इस पर धन आवेशित वस्तु है, और दूसरी जो वस्तु है हमारी वो ऋण आवेशित है। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु धन आवेशित है और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित है, अर्थात दोनों पर जो आवेश का मान है वो विजाती है, सॉरी उनकी प्रकृति विजाती है। तो जब एक वस्तु धन आवेशित है और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित है, तो ये दोनों को जब पास में लाया जाता है तो दोनों में आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, जब दो वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति का आवेश है, अर्थात एक वस्तु धन आवेशित और एक वस्तु ऋण आवेशित है, तो जब उनको पास में लाया जाता है तो वे वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी ये वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जब दोनों वस्तुओं पर समान आवेश है, अर्थात दोनों या तो धन आवेशित हैं, दोनों कैसी हैं धन आवेशित, या दोनों पर ऋण आवेश है, दोनों पर आवेश समान है, या तो दोनों पर कैसा आवेश है धन आवेश, या दोनों पर ऋण आवेश है, और फिर उन वस्तुओं को यदि हम पास में लाते हैं तो वे वस्तुएं एक दूसरे को दूर हटाती हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आ गया हमें कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरे तरह हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सजातीय, समान को हम सजातीय भी बोल सकते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, और विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत आवेश, एक धन दूसरा ऋण, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो इसका मतलब या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं। यदि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो वो वस्तु कैसी है धनावेशित, और यदि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो वो वस्तु कैसी है ऋणावेशित। अब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो वो पूर्ण संख्या में निकलते हैं या प्रवेश करते हैं तो पूर्ण संख्या में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन, बीस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो पूर्ण संख्या में निकलते हैं, या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करते हैं वो भी पूर्ण संख्या में ही प्रवेश करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी वस्तु से डेढ़ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ढाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन, पौने चार इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है, पूर्ण संख्या में होता है। क्लियर, तो किसी भी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पूर्ण संख्या में निकलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन वो आवेश धन आवेश उत्पन्न होगा। यदि उस वस्तु में दूसरी वस्तु में दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए तो उस वस्तु पर भी कितना आवेश उत्पन्न होगा, जितना दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन उसमें प्रवेश किए हैं इसलिए जो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। समझ गए ना, तो देखिए यहाँ से हम आवेश के क्वांटीकरण को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश जो डिसाइड होता है वो किससे होता है, आवेश की मात्रा, आवेश को मैं क्यों से मार रहा हूँ, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज, जहाँ एन का मतलब है पूर्ण संख्या, 1 2 3 डैश डैश, ठीक है,
पूर्ण गुणज होती है। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, 4/3 दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। तो ये तो हमारा हो गया आवेश की मात्रा। अब वो आवेश कैसा उत्पन्न हुआ होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगा। यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो धन आवेश उत्पन्न हुआ होगा, यदि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया है तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा। तो हम यहाँ पर उसमें प्लस माइनस दोनों ही लगा दे रहे हैं, या तो वस्तु धन आवेशित होगी या ऋण आवेशित होगी, ठीक है। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है, ठीक है। इसके बाद हम इतना जे लिख देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और लिखेंगे कि अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वही जो मैंने आपको बताया 3/2, 4/3, 6/3 मतलब दशमलव में। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है, जहाँ एन का मतलब क्या है 1, 2, 3, 4 पूर्ण गुणज, पूर्ण संख्या, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, कूलम, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे कि अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण आपको समझ में आ गया कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि आवेश एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ठीक है। हमारा प्रश्न है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम जानते हैं क्यू बराबर एन ई, ठीक है, हाँ, प्लस माइनस तो इसलिए लगाया था कि वस्तु धन आवेशित होगी या ऋण आवेशित, अब कुछ न कुछ होगी ये वस्तु, तो प्लस माइनस हमें कुछ नहीं लगाना है। एक कूलम आवेश, तो क्यूब की वैल्यू कितनी दी है एक, एन बराबर हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो एन बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। 10⁻¹ को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻¹⁹ ये प्लस का हो जाएगा 10⁻¹⁹ / 1.6। देखिए मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो मैंने यहाँ बढ़ा दिया, ये दशमलव हट गया, अभी भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक जीरो कम करके इधर लगा दूँ तो कितना हो जाएगा जी, इधर कर दे रहा हूँ, एन बराबर जी 100 बन जाएगा, और जी हो जाएगा 10⁻¹⁸, क्योंकि यहाँ से एक जीरो मैंने इधर लिख दिया, 16। अब 16 का इसमें भाग चला जाएगा, तो 16 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा, 96 हो जाएगा, 6 बार गया 96, बची कितनी 4, फिर कितनी बार जाएगा 4 में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 16 × 32 बचा कितना 8, जीरो लगाएंगे तो 80 बन जाएगा, 16 × 5 = 80 और 10⁻¹⁸। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एक कूलम आवेश जो होता है वो इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न। किसी पदार्थ में 80 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो उस पर हम संख्या कुछ भी ले सकते हैं,
50 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 200 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। तो किसी पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा और आवेश की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। किसी पदार्थ में 80 इलेक्ट्रॉन ही लिख दे रहा हूँ, 80 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो किसी पदार्थ में 80 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दी गई है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो n बराबर कितना दिया है, 80। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर आवेश की मात्रा बतानी है, यानी q बराबर क्वेश्चन मार्क, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। समझ गए ना, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से, q बराबर कितना होता है, एनी वैल्यू पुट अप कर दें तो n का मान है 80 और इसकी वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो q बराबर आ जाएगा 16 का 8 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 112 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, जे कुछ ऐसा आ जाएगा, × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं दशमलव तो हट ही गया, 112 इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 बन जाएगा, तो जो जाए 8 × 16 और 16 का 8 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा, यानी कि गुणा करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, जी हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तब माना जाएगा जब दशमलव चिन्ह हमारे एक अंक के बाद आएगा, यानी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वो दशमलव कब आएगा, जब इसमें मैं 100 से भाग दूंगा, 100 से भाग देने से जी कितना हो जाएगा, 1.12, और जब 100 से भाग करेंगे तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, और 100 से गुणा करेंगे तो जी इसकी घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि 100 का मतलब है 10 की घात 2, तो जी घात हो जाएगी −19 + 2, तो कितना बन जाएगा, −17। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लिखेंगे रिजल्ट को तो जो आ जाएगा क्यू बराबर 1.12 × 10⁻¹⁷ कूलम। तो उस पदार्थ पर इतना आवेश क्रिएट हो जाएगा यदि उसमें से 80 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमने जे तो ज्ञात कर दिया आवेश की मात्रा, अब क्या बताना है, उसकी प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब है कि धनावेशित होता है वो या ऋणावेशित होता है। तो जी जो इतना आवेश उत्पन्न हुआ है वो उस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न हुआ है या ऋणावेश। तो देखिए सीधा यहाँ से समझ में आ रहा है कि 80 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, मतलब उस पदार्थ में से 80 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है। समझ गए ना, तो जी जो पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए वह धनावेशित होगा। ठीक है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, इसलिए पदार्थ कैसा होगा, धनावेशित होगा। ठीक, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहे और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।